बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन अवसर पर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन को आज हमें हकीकत में बदलना है, क्योंकि एक बेटी ही समाज में उजाला और प्रकाश फैला सकती है और देश में महिलाओं की घटती संख्या भारी चिंता का विषय है। बैजनाथ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज पुरुषों के मुकाबले देश में महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है, ये घटता लिंग अनुपात भारी चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समाज को लड़के और लड़की बिना किसी भेदभाव के देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज लड़कियां लड़कों की अपेक्षा हर क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही हैं। विपिन सिंह परमार ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने IGMC कॉलेज शिमला, TMC टांडा, MMU सोलन मेडिकल कॉलेजों के 270 डॉक्टरों की प्लेसमेंट की है, जिनमें से 202 डॉक्टरों ने अपनी नौकरियां भी ज्वाइन कर ली हैं। यही नहीं, थोड़े ही समय में सरकार ने प्रदेश में 550 के करीब डॉक्टरों के रिक्त पदों को भी भरा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में आयुष्मान भारत तथा हिमकेयर जैसी स्वास्थ्य योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिससे हर परिवार का इलाज मुफ्त हो रहा है। विपिन सिंह परमार ने सभी लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपना वोट जरूर बनाएं, जिससे वे आने वाले समय में होने वाले महायज्ञ में अपनी आहुति डाल सकें। को शिक्षित कर सकती है, प्रशिक्षित कर सकती है। ये महिलाएं एक परिवार में नहीं, जहां पर ये जाती हैं, शादी होती है, उस परिवार में भी उजाला और प्रकाश फैलाती है। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में भेजे हैं, विरासत में क्या मिला? विरासत में मिला, अस्पताल को खोल दिए, फट्टे लगा दिए, डॉक्टर नहीं मिले, ये जरूर विरासत में मिला। विरासत में क्या मिला? सृष्टि भी देंगे, जरूर आएंगे, पर हमारे डॉक्टर योग्य है। कोई उनकी योग्यता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दे, मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर योग्यता नहीं होती तो आज हिंदुस्तान के पैरामीटर्स में सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं होता। आज हमें अगर पुरस्कार दिए जा रहे हैं तो ये डॉक्टर्स के कारण दिए जा रहे हैं, स्टाफ नर्सिस की मेहनत के कारण दिए जा रहे हैं, लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट के सहारे दिए जा रहे हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने दो विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति तथा शिवरात्रि कला मंच के लिए 10 लाख देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी ओर से शिवरात्रि महोत्सव के लिए 1 लाख रुपए भी दिए। इससे पूर्व 5 दिन तक चले शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत समापन हो गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने महोत्सव की स्मारिका व कैलेंडर का विमोचन भी किया।